स्वास्थ्य का एक जो है तमाम यहाँ पर जो स्वास्थ्य उपलब्ध हैं यह है नीलाम्बर पीताम्बरपुर की धरती पर पहुँचे हैं और हमारे पीछे हैं स्वास्थ्य जो कई समस्याओं की दौर से गुजर रही है। बता दें आपको कि सहियाओं को कह सकते हैं मानदेय में बढ़ाने के लिए या लगातार ये बातें जो भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर झारखंड के बने वो लगातार ये बातें आई कि सहियाओं का दिन सुधरेगा, लेकिन इनके दिन बहुरंगे कब हो गए ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। सरकारें आते रही जाते रही है लेकिन नहीं बदली तो सहियाओं की तस्वीर या तकदीर। हमारे साथ हैं नीलाम्बर पीताम्बरपुर की सहियाँ और जानेंगे कि आखिर किस दौर से गुजर रही है, इनका मानदेय की स्थिति क्या है और अभी तक इनकी जो मांगे हैं सरकार से वो कितना पूरा हो गई है और अब क्या चाहती हैं वो। सबसे पहले हम सहिया के जो अध्यक्ष हैं, क्या किन किन दौर से गुजर रहे हैं आप, परेशानियाँ क्या होती हैं? नमस्कार भैया, हमारे यहाँ सभी सहिया दीदी की तरफ से जोहार। हमारे सहिया बहने जो स्थिति से काम कर रही है वो तो सरकार की बताने की जरूरत नहीं है। जिनमिन जगह जमीन पर जितना भी अंतिम से अंतिम व्यक्ति हैं, जिनको किसी प्रकार का लाभ नहीं है, जिनको किसी तरह का कोई जानकारी नहीं है, उस व्यक्ति से जुड़कर हमारी बहनें काम कर रही है। हम काम कर रहे हैं पर हमको वहाँ पे क्या लाभ मिल रहा है वो सरकार अपने से दिल पर हाथ रख के बताए कि क्या प्रोत्साहन राशि हम लोग को देती है। क्या लगातार सरकार कह रही थी कि अब चाहे वो हेमंत की सरकार हो बीजेपी, सिर्फ सरकार आती है जाती है, बैठते हैं अपने मुद्दे को पूरा कर लेते हैं पर सहिया के ऊपर किसी को ध्यान नहीं है। आज 17 साल से हम लोग कार्य करते आ रहे हैं लेकिन आज तक किसी को कोई कितना सहिया मर गई, कितना सहिया बुढ़िया हो गई, कितना सहिया अब रिटायर होगी, उम्र सीमा भी एकदम खत्म हो चुका है, फिर भी काम करते करते उसका शरीर थक गया और सरकार की तरफ से कोई सोच नहीं है। प्रोत्साहन राशि भी कोई काम का नहीं है। 2000 रुपया एक बैठक का 75 रुपया, एक प्रखंड बैठक में सहिया दीदी जाती है, दूर दराज 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर दौड़ के आती है, जिसको भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, 75 रुपया सिर्फ एक बैठक का मिलता है। जब 2 बैठक करती है इन लोग तो 150 रुपया बनता है। इस तरह से मिला सहिया की बात अगर बात है, सहिया जो लगातार सहिया मान लिया अभी जैसे इन्होंने कहा कि डेथ कर गई या रिटायरमेंट, तो क्या पेंशन सुविधा या किसी? नहीं नहीं, हाँ। सहिया के लिए कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ एक हम लोग को अभी मोदी जी के तरफ से खुला है। हाँ। वो भी मरने के बाद 2 लाख मिलेगा, जीवन ज्योति बीमा हुआ है, बस सिर्फ वही हुआ है। तो हम लोग के जिंदा में कुछ भी नहीं है, मरने के बाद 2 लाख है, तो जिंदा में हमारे कुछ भी नहीं है। वो भी 60 साल के अंदर में मरेंगे, तब 60 साल पूरा हो जाएगा तो वो 2 लाख। अब जो हम लोग काम करते हैं उसके एवज में प्रोत्साहन राशि भी इतना कम है जिससे अपना हम लोग अगर दूर की बहने हैं तो वो भाड़ा में ही खर्च हो जाता है, बचने का सवाल ही नहीं है, फिर हम लोग अपना पेट और अपने बाल बच्चा को कैसे पोसेंगे। सरकार जब बनी थी हेमंत की सरकार और इसके पहले बीजेपी की सरकार, लोगों ने कहा था कि सहियाओं के दिन उनका तस्वीर बदलेगी, उनकी तकदीर बदलेगी, कितना बदला? अभी तो कुछ नहीं बदला भैया, प्रणाम। हम लोग को सही है, लोग को बहुत कम राशि दिया जाता है, सिर्फ 2000 हम लोग का राशि है, उसमें हम लोग का घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चों को इसमें पढ़ाई नहीं हो पा रहा है और हम लोग दूर दराज में काम करते हैं भैया, तो आने जाने में हम लोग को बहुत भाड़ा खर्चा हो जाता है। 2000 हम लोग के लिए बहुत कम राशि है, सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का राशि बढ़ा दिया जाए, प्रोत्साहन राशि। नहीं, सरकार क्या क्या वादा की थी आपको याद है? सरकार तो बहुत तरीका के वादा की थी। क्या वादा? आप लोगों को ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा है वैसा है, फिलहाल में स्कूटी मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, लेकिन अभी तक किसी चीज का पता ही नहीं है सर, कुछ नहीं, किसी चीज का पता नहीं है। साइकिल मिलेगा तो साइकिल, कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ हम लोगों को अगर काम करेंगे काम करेंगे अगर तो उसके में हम लोग को 2000 रुपए मिलेगा। हाँ। और अगर काम नहीं करेंगे तो वो भी पैसा हम लोगों को काट दिया जाएगा। अच्छा, कभी कभी दूर से आप लोग मतलब जैसे आती हैं तो एक बात बताइए, 2000 रुपया समय पर मिलता है? हाँ, समय पर मिलता है भैया, लेकिन बहुत कम है हम लोग का, उतना में तो हम लोग का भाड़ा खर्चा हो जाता है, घर के परिवार के पालन पोषण क्या करेंगे, बच्चा के लोग के क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत कम है। मतलब नहीं, वो भी हम लोग का यही निवेदन है, हम लोग का मानदेय बढ़ना चाहिए। हमारे पास और भी है सहिया, बताइए सहिया है, आप सहिया है ना, कहाँ से आती हैं आप, बोलिए कहाँ से आती हैं? बनिया से बोल।
तो आपको आने जाने में खर्च जितना पैसा मिलता है वो खर्च हो जाता है, खर्च हो जाता है बेसी। तो घर में कैसे पालन लालन पालन बच्चों को करती है, कैसे कुछ बचता नहीं है, कहाँ से करेंगे? कितना उम्मीद है आपको कि सरकार अब पूरा करेगी आप लोग की मांग? कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग तो मांग करिए रहे कि कोई उम्मीद नहीं कि कब तक पूरा करेगा। 17 साल हो गया, 17 साल हो गया, कोई उम्मीद नहीं, मतलब उम्मीद अब नहीं है? उम्मीद हम लोग खो चुके हैं, देखिए बस, मतलब आप लोग काम करते जा रही हैं, काम करते जा रहे हैं, हम लोग लगन है, छोटा भी बच्चा है तो उसको छोड़ करके हम लोग निकल जा रहे हैं, नवरात्रि में लड्डू चीना महंगाई के इस दौर में 2,000 रुपया प्रोत्साहन मिलना और सहियाओं का जो दौर होता है, सहियाओं का जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर विषय है। सरकारें बहुत सरकारें आई जाएं चली गईं और सरकार ने हर वक्त इन लोगों को, जब जो भी सरकार बनी उससे पहले सहियाओं से कई वायदे किए गए कि उनका दीन जो है बदलेगा, उनके प्रोत्साहन राशि में होगा, स्कूटी मिलेगा, तरह तरह के कई लुभावने वायदे किए, लेकिन सरकार बनते के साथ ही सहियाओं को दिए गए वायदे पर कोई सरकार खरा नहीं उतरी। स्थिति यह है कि पिछले सत्रह सालों की सहियाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है, न उन्हें स्कूटी मिला, ना ही मोबाइल मिला और ना ही प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी भी हुई। स्थिति यह है कि मात्र 2,000 के मानदेय में आज के दौर, इस महंगाई के दौर में, जहां एक मोबाइल का रिचार्ज में जहां 400 और 500 रुपए लगते हैं, वैसे में 2,000 का मानदेय में कैसे ये दिन गुजारती हैं, कैसे इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, सिर्फ एक उम्मीद की किरण दूर से नज़र आ रही है कि शायद नया कोई सरकार बनेगा और शायद कोई नया इनके लिए एक भगवान आएंगे, कोई इनके लिए एक कहते हैं ना कि कुछ सोच के अभी भी इनके मन में एक उम्मीद की किरण है कि शायद कोई सरकार तो इनकी जो है व्यथा सुनेगी और कोई भी तीन की समस्या को सुन करके इनके दुख को दूर करेगी, यही उम्मीद से ये लोग काम कर रहे हैं जी। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा, आने वाले सरकार को यह सोचने का विषय है कि आने वाला सरकार जो भी हो, लेकिन सहियाओं पर उनको ध्यान देने की जरूरत है ताकि इनके भी दिन बहुरंगे हो सके। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।